बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे मर्ज सॉर्ट, और मर्ज सॉर्ट का पार्ट नंबर वन हम डिस्कस करेंगे कि मर्ज सॉर्ट में जो जो उसका प्री रेक है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी एरे को दो हाफ में कैसे डिवाइड किया जाता है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे दो एरे, किसी भी एरे को दो हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं। आप लोगों ने ये असाइनमेंट शायद अपने बीएस के टाइम पे की हो, लेकिन वो वाली असाइनमेंट बड़ी डिफरेंट है। ये थोड़ा सा हम फार्मूला भी इसमें इस्तेमाल करेंगे और एक जेनेरिक फॉर्म में बताएंगे कि किसी भी एरे को दो हाफ में कैसे डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे पास एक एरे है, ये एरे जो आपको नजर आ रहा है, इस एरे के अंदर आप ये चेक करेंगे हमारे पास एलिमेंट्स हैं। इस एरे का जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास है 8। तो ये एरे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जीरो से स्टार्ट हो रहा है। तो जीरो को स्टार्ट जीरो से हो रहा है, तो इसके लिए पॉइंटर अगर आप डिफाइन करना चाहें तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल की वैल्यू ले रहा हूँ पी। तो मैं ये कह रहा हूँ पी जो है ये स्टार्ट पॉइंट आउट कर रहा है जीरो लोकेशन को, ठीक है। एक वेरिएबल मैं लूंगा आर, आर जो पॉइंट आउट कर रहा है वो कर रहा होगा आखिरी लोकेशन को, यानी आर इज गोइंग टू पॉइंट आउट लोकेशन नंबर 7। और एक होगा क्यू जो पॉइंट आउट कर रहा होगा सेंटर वाली लोकेशन को। तो इस एरे में टोटल एलिमेंट हमारे पास 8 है, तो यानी 0 से 7 तक 8 ही बनते हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 7। तो ये जो Q होगा वो हमारे पास होगा 3, यानी 0 से लेके 3 तक ये जो एलिमेंट हमारे पास 4 होंगे, यानी 0, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट। तो ये बेसिकली हमारे पास हाफ ऑफ एरे पॉइंट आउट कर रहा होगा। ये तो बड़ा आसान है कि एरे को देख के आप डायरेक्ट पॉइंटर डिफाइन कर देंगे क्योंकि एरे का साइज इतना है, लेकिन अगर आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो प्रोग्राम के अंदर आपको ये जेनेरिक बनाना पड़ता है। आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे नहीं कर सकते कि एक एरे के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कॉन्स्टेंट वेरिएबल्स लगा के उसे खत्म कर दें। तो उसके लिए आपको जेनेरिक फार्मूला बनाना पड़ता है कि अगर ऐसा एरे आ जाए जिसमें 5 एलिमेंट हैं तो ये जो पॉइंटर आपने डिफाइन किए हैं तो सारे गलत हो जाएंगे, या ऐसा एरे आ जाए जिसमें 16 एलिमेंट है तो ये सारे के सारे पॉइंटर गलत हो जाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फार्मूला बनाते हैं। तो कोई भी एरे सी लैंग्वेज में अगर हम बनाएं तो ये बात कंफर्म है कि वो स्टार्ट हमेशा जीरो से होता है। तो पी के अंदर जीरो वैल्यू असाइन कर दें, उसमें कोई मसला नहीं, लेकिन उस एरे का साइज कितना है वो तो हमें प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा तो हमें तो नहीं पता कि साइज कितना है। उसके लिए हम एक फार्मूला बनाते हैं। तो सी लैंग्वेज में एक एक फंक्शन यूज होता है, उसे हम कहते हैं साइज ऑफ। वो क्या करता है, साइज ऑफ आपको ये बता देता है किसी भी वेरिएबल का साइज क्या है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ इंट आई, तो इंट वेरिएबल जो मेमोरी में स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो 4 बाइट्स है। तो साइज ऑफ जब आप लिखेंगे ना आई तो आपको रिजल्ट दे देगा 4, यानी आप लिखेंगे ना सी आउट साइज ऑफ आई तो आउटपुट करेगा 4। तो आप साइज ऑफ फंक्शन इस्तेमाल करके एरे का साइज निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, वैसे आप निकाल सकते हैं कि यहाँ पे आप लिखेंगे, जैसे आपने लिखना है आर फाइनल एलिमेंट ऑफ एरे पॉइंट आउट करना है, लिखें आर इज इक्वल टू साइज ऑफ एरे का साइज कितना है नम। तो साइज ऑफ नम आप करें तो ये जो एरे हमारे पास डिक्लेयर है ये हमारे पास इंटीरियर टाइप का एरे है जिसमें हर लोकेशन के अंदर 4 बाइट्स हैं। हर लोकेशन पे कितनी बाइट्स हैं, 4 बाइट्स हैं। तो साइज ऑफ नम का मतलब ये होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 8, और हर एक लोकेशन पे कितनी बाइट्स हैं 4, तो टोटल साइज कितना हो जाएगा 32। तो इसके अंदर कितना साइज हो जाएगा 32, ऐसे 32। लेकिन 32 तो हमारे पास जो है वो नहीं है एरे का साइज, क्योंकि हर लोकेशन का जो साइज है वो 4 बाइट्स है, इसे 4 से डिवाइड कर दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 8, यानी टोटल साइज ऑफ एरे आ जाएगा। यानी आप यूं करेंगे साइज ऑफ नम डिवाइडेड बाय 4, जब आप इसे ऐसे करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन आपको ये बता देगा कितनी। लेकिन अगेन वो लोकेशन अगर आप R को असाइन करते हैं तो R पॉइंट आउट कर रहा होगा 8 को, तो अगेन ये गलत हो जाएगा क्योंकि एलिमेंट आपके पास 0 से 7 तक है। तो इसको मजीद रिफाइन करने के लिए आप क्या करेंगे, साइज ऑफ नम ये लिखने के बाद साइज ऑफ नम -1 ये कर दें, तो R ऑटोमेटिकली पॉइंट आउट करना शुरू कर देगा 7 पे, ठीक है। इस तरह से फार्मूला लगा के आपने R की वैल्यू निकालनी है। अब आपने सेंटर ऑफ एरे पे जाना है, यानी Q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो Q की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिखिए Q इज इक्वल टू R माइनस सॉरी अब आप निकालें Q आप कैसे निकालेंगे, Q
क्यू निकालने का सिंपल तरीका है, लिखे हैं q इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई टू। तो r डिवाइडेड बाई टू करें, r में कितना है 7, तो 7 डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.5। तो 3.5 इज नॉट अ गुड वे, हमें 3 चाहिए। तो आप इसके स्टार्ट में फंक्शन लगा दें फ्लोर का, f l डबल ओ r फ्लोर r डिवाइडेड बाई टू। तो इस तरह से स्टैंडर्ड फॉर्म में आप अपने एरे का जो है वो पॉइंटर आप एडजस्ट करते हैं, इस तरह बना के रखते हैं ताकि कोई भी एरे इसमें पास किया जाए तो ऑटोमेटिकली उसका सेंटर पॉइंट, उसका स्टार्ट पॉइंट, उसका एंड पॉइंट खुद ही कैलकुलेट कर ले, आपको बार बार प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन ना करनी पड़े। अब हम एरे को दो हाफ में डिवाइड करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि एरे को दो हाफ में डिवाइड करने का मतलब ये है कि आपने एरे के कुछ एलिमेंट एक हिस्से में रखने हैं और कुछ एलिमेंट्स आपने एरे के दूसरे हिस्से में रखने हैं। तो आपने दो एरे डिक्लेयर करने हैं, दो एरे डिक्लेयर करने हैं। हाफ एलिमेंट इस एरे के जो है वो आप एरे वन में लेके जाएंगे और हाफ एलिमेंट आप लेके जाएंगे एरे टू में, ठीक है। तो हम अज्यूम करते हैं एरे वन, मैं उसका साइज एरे वन मुनासिब नहीं नाम मैं लिखता हूँ नाम उसका एक्स। तो मेरे पास एक एरे डिक्लेयर करूंगा मैं एंड एक्स, इसका साइज कितना होगा एरे का। अगेन अगर आप साइज कॉन्स्टेंट में देते हैं दैट इज नॉट अ गुड वे कि आप उसका साइज कॉन्स्टेंट में दें, तो आप इसका साइज क्या करें वेरिएबल्स में दें। तो एरे एक्स का साइज कितना है 4 एलिमेंट, तो आप लिख दें क्यू कितने को, क्यू में क्यू क्या पॉइंट आउट कर रहा है 3, तो आप लिख दें क्यू प्लस 1 एक्सटेंडेड बन जाएगा, ठीक है जी, इतने एलिमेंट एक्स पॉइंट आउट कर रहा है। तो इसी तरह से अगर आपने y को पॉइंट आउट करना है, उसका अगर आपने डिक्लेयर करना है y को कैसे करेंगे, y इज इक्वल टू r माइनस q, याद करें देख लें कि r में आपके पास 7 है, q में आपके पास 3 है, r माइनस 3 करेंगे तो ऑटोमेटिकली 4। दोनों केसेस में आपके पास एरे का साइज 4 4, यानी हाफ ऑफ एरिया में जो आपके पास एरे है दो एरे आप डिक्लेयर कर देंगे और आपने कॉन्स्टेंट नहीं बनाया, आपने फार्मूला के थ्रू से सॉल्व किया। जब ये कर लेंगे, ये करने के बाद अब आपने क्या करना है, ये मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ कि आपको मैं बता दूंगा कि अब आपको पता है कि कैसे ये वेरिएबल्स हैं, तो क्योंकि स्पेस कम है मेरे पास। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, काम वेरिएबल डिक्लेयर करें एंट आई जे, ये वेरिएबल आपके मेन प्रोग्राम के बाद डिक्लेयर हो रहे हैं सारे, ठीक है, मेन प्रोग्राम के बाद आप इसको डिक्लेयर कर रहे हैं ij। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन किसके लेस देन। अब यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि आपका i लेस देन होना चाहिए जो x एरे है। अब आपने ये करना है इस नाम वाले एरे के जो 4 एलिमेंट है वो x वाले एरे में लेके जाएंगे, ये आपके पास x वाला एरे है 1 2 1 2 3, यानी 0 1 2 3, इसमें इतने एलिमेंट। तो ये नम वाला 3 यहाँ पे आना चाहिए, नम वाला 10 यहाँ पे आना चाहिए, नम वाला 23 यहाँ पे आना चाहिए, नम वाला 54 यहाँ पे आना चाहिए। अब हम ये करने के लिए जा रहे हैं, कैसे कोड लिखेंगे, i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन, तो टोटल लोकेशन हमारे पास जो x एरिया है 4 लोकेशन है इसकी, तो 4 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं ना, लेकिन इट इज नॉट गुड टू राइट 4 डायरेक्टली, ये प्रॉपर मुनासिब नहीं है। तो बेहतर ये है कि आप यहाँ पे इसका फार्मूला बना के लिख दें तो भी ठीक है, सही है। उसका लिखने का तरीका ये है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और देखें ये एक रन टाइम पे मैं ये चीज़ को बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली ये चीज़ें इस कैसा हूँ स्क्रिप्टेड तो है नहीं कि मैं स्क्रिप्ट सामने रख के पढ़ूँ उसे और डायरेक्ट वो परफॉर्म करूँ, तो ये हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम अगर किसी जगह पढ़ाता हूँ तो टोटली डिफरेंट तरीके से पढ़ा रहा हूँ, इट इज़ हाईली पॉसिबल। तो खैर यहाँ पे आप लिखें कि एस वन के साइज ऑफ एरे वन कितना था, S1 is Q plus 1 और S2 आप लिख दें size of array 2, तो कितना है हमारे पास R minus Q, ऐसे कर दें सिंपल, ऐसे वेरिएबल आप डिक्लेयर करके उनमें ले जाएं और आप लिख दें X of S1, ठीक है, और Y of S2, दोनों का साइज आपके पास यानी वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा ना, ताकि बाद में आप उसे यूज भी कर सकें, लूप में उसे इस्तेमाल भी कर सकें। तो कैसे इस्तेमाल करेंगे लूप में, आप उसे कैसे करेंगे इस्तेमाल लूप में, आप उसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन s1, i प्लस प्लस,
ठीक है। तो अब यहां पे आप देख लें x ऑफ i इज इक्वल टू x ऑफ i इज इक्वल टू num ऑफ i। तो ये क्या करेगा, x ऑफ i ऑफ num ऑफ i इज इक्वल टू num ऑफ i, ये क्या करेगा 0 1 2 3 0 1 2 3, पहले आएगा x i में 0, तो 0 लोकेशन पे num को कॉपी करेगा यहाँ पे, फिर आएगा 1 1 यानी 10, फिर आ जाएगा i में 2 2 में ये पड़ा हुआ 23, फिर आ जाएगा i में 3 यानी 3 इज लेस देन s1 इज रिप्रेजेंटिंग द साइज यानी 4, कंडीशन 2 हो जाएगी अगेन 54, फिर क्या होगा i में क्या आ जाएगा, यानी जब 3 के बाद 4 भी आएगा ना i में, i में आ जाएगा 4 यानी i प्लस प्लस जब आप कर रहे हैं तो i में आ जाएगा 4, तो 4 जब आएगा तो वो यहाँ पे 4 इज लेस देन 4 कंडीशन पास हो जाएगी, वो टर्मिनेट हो जाएगा और उसके साथ ही सारे एलिमेंट आपके इस एरे x ऑफ i में कॉपी हो चुके होंगे। ठीक हो गया। अब हम करेंगे जो एलिमेंट जो दूसरे हैं y वाले, वो हमें सेकेंड हाफ में लेके जाने हैं, तो यहाँ पे आप एक और लूप लगाएंगे फॉर j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन s2, j प्लस प्लस। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप लिख दें y ऑफ j, यानी लोकेशन यानी y का ये एरिया है ना, ये y का एरिया 1 0 0 1 2 3, इसका इंडेक्स है यानी y ऑफ j यानी j 0, ये 0 लोकेशन में क्या जाए, ये जाए ये इज इक्वल टू आप लिख देंगे num of क्या इसमें इंडेक्स पास करेंगे, num of क्या इंडेक्स पास करेंगे, i प्लस j। आप इसको जरा समझे, i में क्या पढ़ा था लास्ट टाइम, जो अभी जो ये वेरिएबल मैंने पहले बताया प्रोग्राम पे टॉप पे डिक्लेयर है और इसके ऊपर फॉर i इक्वल टू 0 वाला लूप गिवन है, वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, क्योंकि जगह कम है इसके मैंने उसे मिटा दिया, ये लूप उसके बाद मैंने लिखा हुआ है, तो i वाला वेरिएबल में जो लास्ट टाइम वैल्यू थी पूरे प्रोग्राम में मैं उसे रेफर कर सकता हूँ। ठीक है, तो i की वैल्यू मैंने यहाँ पे रेफर किया है, तो i में लास्ट टाइम जो लूप को टर्मिनेट हुआ था उसमें 4 था, तो 4 प्लस j में क्या है 0, तो ये num का जो ये 4 वाला लोकेशन है ना, ये इसमें एलिमेंट उठाएगा यहाँ पे ले आएगा। इसी तरह फिर j में क्या चला जाएगा 1 1 प्लस, ये j में 1 होगा, i में 4 4 प्लस 1 5, इस लोकेशन पे लेके आ जाएगा, फिर i में चला j में चला जाएगा 2 2 प्लस, वो ऐड करेगा जब i में 4 ये 6, इस लोकेशन पे चला जाएगा 25, फिर 75, और उसके बाद जैसे ही j वाली वैल्यू टर्मिनेट होगी यहाँ पे वो फाल्स हो जाएगी कंडीशन और वहां से वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग एरे की वैल्यूज को स्प्लिट करते हैं किसी भी एरे को दो हाफ्स में। मेरे ख्याल से ये बात अब आपको समझ में आ गई।